नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। राजधानी जयपुर में क्रिकेट फैंस के लिए नया रोमांच शुरू हो रहा है। प्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रिकेट का फॉर्मेट T20 रहेगा। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन स्टार क्रिकेट ग्राउंड जयसिंहपुरा भांकरोटा में आयोजित होगा और इस दौरान सोमवार को चांदनी गार्डन में महात्मा ज्योतिबा फुले रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति अवार्डेड लालचंद सैनी, हनुमान सैनी ने पोस्टर का विमोचन किया। उनके साथ कार्यक्रम संयोजक हेमराज सैनी, मोहनलाल सैनी, गुरुशरण सैनी, गौरीशंकर सैनी और राकेश सैनी समेत तमाम समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक पूरण चंद सैनी ने बताया कि ये सिर्फ खेल नहीं है, इसको खेल की भावना के साथ समाज को जोड़ने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। समाज में एकजुटता और भाईचारे के लिए खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये मैच MJPS वेलफेयर सोसाइटी जयपुर की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। MJPS वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले प्रथम रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन समाज के प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर प्रयासरत रहती है। उसी उद्देश्य को लेकर हम सभी लोग अपने समाज के प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। MJPS वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में प्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 8 जून 2022 से किया जा रहा है। इस आयोजन में पूर्णचंद माली, मोहनलाल सैनी, श्रीराम गार्डन वाले, गौरीशंकर जी सैनी, हेमराज जी माली लहर और राकेश सैनी मुख्य आयोजन करता है। इसमें इस प्रतियोगिता में लगभग 24 टीमें भाग ले रही है, जिसमें विजेता टीम को 31,000 रुपये और विजेता की ट्रॉफी दी जाएगी। उप विजेता टीम को 21,000 रुपये नकद एवं ट्रॉफी दी जाएगी। प्रत्येक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बल्लेबाज का पुरस्कार दिया जाएगा। यह कार्यक्रम स्टार क्रिकेट ग्राउंड पीपला भरत सिंह जयसिंहपुरा भांकरोटा में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि प्रभुलाल जी सैनी रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़।